साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सीएम योगी आज वाराणसी दौरे पर हैं, जहां सीएम कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सिगरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में पीएम के व्यक्तित्व पर आधारित 7 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और वह भाजपा की चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद सुबह 11 बजे रविदास घाट पर जेटी के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचेंगे। यहां सभा को संबोधित करने के बाद दोपहर 12:15 पर विश्वनाथ धाम जाएंगे। विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद धाम परिसर से मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम पहुंचेंगे। वहां बड़े महाराज यमुनाचार्य सतुआ बाबा की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। यहाँ सीएम करीब 1.5 घंटे तक रहेंगे। शाम 5 बजे वह बाबतपुर एयरपोर्ट आएंगे, यहां से राजकीय विमान से लखनऊ जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, सीएम योगी आज वाराणसी दौरे पर हैं, किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी? जी मयूरी, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं दूसरी बार, तब से लगभग 101 बार से ज्यादा वो पहुंच रहे हैं काशी विश्वनाथ में, वाराणसी में 100 बार से अधिक वो यहां का दौरा कर चुके हैं काशी विश्वनाथ का। उसके क्रम में आज ये 10:30 बजे इनका पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है वहां पर। उसके बाद ये कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। एक सबसे अहम कार्यक्रम आपको बता दें कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम होगा, उसमें प्रधानमंत्री पर आधारित जो फोटोग्राफी होगी उसको दर्शाया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा कि किस तरीके की प्रधानमंत्री की जो प्रदर्शनी लगेगी फोटो की, वो 11 नवंबर को जो आज लग रहा है वो 11 से 17 नवंबर तक चलेगा। उसमें इस तरह के कई कार्यक्रम दिए गए हैं जिसमें वो उनका जीवन परिचय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसमें दिखाया गया है। और ये जानकारी मिली है कि कोई अबू धाबी का रहने वाला अकबर नाम का शख्स है जिसने इस चित्र का बनाया चित्र को, और जिसकी प्रदर्शनी लग रही है उसका उद्घाटन करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच रहे हैं। और कई कार्यक्रम उनके रहेंगे। 11 बजे रविदास पार्क में वाराणसी में पहुंचेंगे, उसके बाद 11 से 12:30 बजे तक गंगा नदी पर जेटी का लोकार्पण करेंगे, वहीं 12:30 बजे काशी विश्वनाथ धाम में पूजन अर्चन भी करेंगे। रितेश, इन सभी कार्यक्रमों की क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं कि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलर्ट होता है किसी भी जिले में हो, तो वहाँ के शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद होते हैं। इसी तरीके की व्यवस्था काशी विश्वनाथ में भी की गई है। हालांकि आज जानकारी होगी कि 3 बजे ज्ञानवापी का सुनवाई भी होना है, इसके तहत और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहाँ किए गए हैं। प्रयास यह भी लगाया जा रहा है कि आज 3 बजे वो आज सुनवाई पर बैठेंगे, 3 बजे को सुनवाई भी होगी। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, वहां पर सुरक्षा घेरा के काफी खासा इंतजाम किए गए। रितेश, सीएम योगी काशी पहुंच चुके हैं, काफी उनका बिजी शेड्यूल है, कब तक यहां रुकेंगे और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? मयूरी, आज दिन भर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम काशी विश्वनाथ में रहेगा, मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम काशी विश्वनाथ में रहेगा। उसके बाद 5:05 बजे के बाद उनका लखनऊ वापस के निवास पर वापस होने की जानकारी हमें मिले, उनकी वापसी की 5 बजे के बाद उनकी वापसी की जानकारी मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि 2 बजे के बाद वो 3:30 बजे तक पीएम गति शक्ति एक्सपेंशन का उद्घाटन सत्र में सहभागिता करेंगे। वहीं 3:35 पर दीनदयाल हस्तकला संकुल से होंगे रवाना, और शाहजहांपुर में उनका कार्यक्रम एक है। तो इस तरीके से उनका पूरा दिन का कार्यक्रम वाराणसी से लेकर शाहजहांपुर तक रहेगा, जिसके बाद वो शाम को 5 मिनटों के बाद अपने निवास पर सूर्य प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए।
सुप्रीम कोर्ट वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग के संरक्षण की अर्जी पर आज सुनवाई करेगी। मामले पर विचार के लिए एक पीठ का भी गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को संरक्षित करने की समय सीमा 12 नवंबर से बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा के मामले पर आज दोपहर 3 बजे सुनवाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मस्जिद के अंदर जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उसे सुरक्षित रखा जाए। बता दें ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जी मयूरी, आपको बता दूं कि ज्ञानवापी के मामले में आज जो सुनवाई होनी है वो 3 बजे का समय रखा गया है। आपको बता दूं कि अभी मई में इसको संरक्षित करने का एक समय दिया गया था जो 12 नवंबर तक था, वो समाप्त हो रहा है। उसके बाद हिंदू पक्ष के वकील मिल रहे हैं सीबीआई से और उन्होंने ये कहा कि आज 3 बजे उस पर सुनवाई होगी। उसके बाद क्या होता है, आगे कैसे संरक्षित किया जाता है और किस तरीके से आगे इस कार्य को बढ़ाया जाता है उस पर पूरी जानकारी 3 बजे जब सीबीआई बैठेंगे तब उस पर चर्चा होगी, सुनवाई होगी। उसके बाद ही साफ कहा जा सकता है कि इस पर आगे क्या कार्रवाई आगे बन सकती है। रितेश, आज सुनवाई होनी है ज्ञानवापी मामले पर, तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए मयूरी, सुरक्षा के क्योंकि जब से मई में जब ये आदेश हुआ था, जब ये संरक्षित किया गया था, जो शिवलिंग मिलने का मामला था वहां पर दो पक्षों में आपस में भिड़ंत हुई थी। उसके बाद से लगातार वहां पर सुरक्षा घेरे में पूरी एजेंसियां तैनात की गई हैं। पल की एक मिनट की खबर इंटरपोल तक है। आईपी वहां पर पूरी अपनी व्यवस्था से चार चौबंद है। जितने व्यवस्था के उपकरण है सारे वहां तो ना एक परिंदा भी पड़ सकता। इस तरीके से कोर्ट में संयुक्त कोर्ट में किया है, उस तरह से अगर देखा जाए तो आज 3 बजे जो इस पर सुनवाई होनी है ये देखने वाली बात होगी। और अब ये तो 3 बजे ही तय होगा कि जो चीफ सीजीआई बैठ रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनके सीजीआई बनने के बाद और किस तरीके से वहां पर इस मामले की सुनवाई की जाएगी और क्या चर्चा होगा। रितेश, क्या लगता है, क्या कुछ फैसला आ सकता है इस मामले में? देखिए अभी फैसला तो संरक्षित ही रखा गया है, अभी इस पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम दोनों पक्ष आगे बढ़ रहा है, भिड़ंत हो रही दोनों की आपस में। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि 3 बजे किस तरीके का फैसला आएगा। जहां तक हिंदू भावनाओं की बात करें तो फैसला उनके हाथ में ही आने की बात है, क्योंकि अगर पुरानी चीजें उठाकर देखी जाए, अगर पुराने सबूतों को देखा जाए तो उस हिसाब से जरूर फैसला हाथ में आना चाहिए। ये तो आगे अब सीजीआई और उनकी जो गठित टीमें होंगी ये तय करेंगी कि फैसला किसके हाथ में आएगा और कैसे आएगा, लेकिन फैसला पॉजिटिव ही आना चाहिए जहां तक ये अनुमान लगाया जा रहा है। धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। औरैया जिले में एक पूरा गांव डेंगू की चपेट में आ गया है। गांव में ज्यादातर लोग डेंगू के कहर से प्रभावित हैं। अभी पूरा गांव दहशत में है। हर एक घर में लोग डेंगू से ग्रसित हैं और अपने इलाज के लिए कानपुर इटावा जिलों के अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। बीते दिनों डेंगू से 2 लोगों की मौत भी हुई है। पूरे गाँव के प्रभावित होने से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। दूसरी तरफ CMO अर्चना श्रीवास्तव भी अपनी टीम के साथ गाँव में पहुंची और
और घर घर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। साथ ही घरों में रखे कूलर और फ्रिज को चेक किया। इस दौरान फ्रिज में भरे पानी को खाली करने के साथ साथ साफ सफाई के भी निर्देश दिए। डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं औरैया का एक गांव पूरा डेंगू की चपेट में आ गया है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों में दहशत का माहौल है। अभी हम लोग को सूचना मिली कि यहाँ पे जो बुखार के बहुत सारे मरीज हैं, तो इसलिए हम लोग ने कल शाम को भी टीम भेजी थी रात को, और इसके बाद भी हम लोग जो है आज सारी टीम लेके हम लोग आए हैं, और साथ में सफाई कार्य भी चल रहा है। और हम लोगों को करीब यहाँ पे करीब 50 बुखार के केसेस हैं, तो हमारी टीम उनकी टेस्टिंग और सैम्पलिंग कर रहे हैं हम लोग। काम दिक्कत ये है कि मेरे गाँव में नाली बिल्कुल ध्वस्त पड़ी है और कोई सफाई कर्मी नहीं आ रहा है, कोई कम से कम 3 महीने हो गए। और ये इधर आप भी देख लो, इधर आप भी देख लो, अगर आप सामने खड़े हो आपको खुद दिखा रहा कि असली कह रहे कि गलत कह रहे। बीमारी भी फैली है। अरे बीमारी इतनी फैली, मर गए, मर रहे हैं। आप कह रहे कि बीमारी फैली, आप देख नहीं रहे, एक हुआ वो एक ये, और अब पता नहीं कितना का क्या हो। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि हमसे जुड़ेंगे। ऋषि, औरैया जिले में एक पूरा गांव डेंगू की चपेट में आ गया है, कैसी स्थिति वहां बनी हुई है? औरैया जनपद के सायल थाना क्षेत्र में एक गांव है जहां पर डेंगू का है, वहां पूरा गांव डेंगू से ग्रस्त है, और जो लोग हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो मौके पे पहुंची है, और अर्चना श्रीवास्तव जो सीएमओ है और या की जो लगातार गांव में जा रही हैं और साफ सफाई को लेकर देख रही हैं किस तरह से साफ सफाई गांव में है। और वहीं अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं और प्रधानों ने साफ सफाई को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दिया है, और जो नाली भरी हुई है और जो तालाब भी है वहाँ पे भी गंदगी नजर आ रही है। जी ऋषि, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इस पर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है जिस तरह मरीजों की संख्या बढ़ रही है? जी, जो प्रधान है, ग्राम प्रधान से अगर बात करनी चाहे तो वो बात करने से भी इनकार कर रहे हैं, और वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार इस चीज को लेके कह रहा है अगर साफ सफाई गाँव में नहीं होगी तो इसी तरह से ये डेंगू का प्रकोप बढ़ता जाएगा। जी ऋषि, जिस तरह से डेंगू के आंकड़े बढ़ रहे हैं, 2 दिनों में लोगों की मौत भी हुई है काफी, तो अस्पतालों में कैसी व्यवस्था की गई है? जी, जो अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो औरैया में है सौसैया अस्पताल है, यहाँ पर डेंगू के लिए कोई भी अलग वार्ड नहीं बनाए गए हैं, और इन्हें कानपुर और इटावा के लिए रेफर किया जा रहा है। जी मयूरी। ऋषि, वहीं सीएमओ अर्चना श्रीवास्तव गांव पहुंची, जिन्होंने कई निर्देश दिए हैं, और क्या कुछ आदेश दिया है सुरक्षा को लेकर? जी, सुरक्षा को लेकर उन्होंने गांव के लोगों को जागरूक किया है कि अगर कोई भी अगर इसके बुखार आ रहा है या ऐसी कोई घटना हो रही है तो तत्काल औरैया लाए और उपचार के लिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे के लिए रेफर किया जाएगा। जी धन्यवाद ऋषि तमाम जानकारियों के लिए। सेंटर फ्रेम कर दी।
कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी की तलाश में कानपुर पुलिस की दबिश जारी है। लखनऊ कानपुर समेत 10 ठिकानों पर कानपुर पुलिस ने दबिश दी है, लेकिन विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर हैं। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने दोनों की तलाश के लिए एसआईटी गठित की है। बता दें कि केस की विवेचना जाजमऊ इंस्पेक्टर अशोक दुबे को सौंपी गई है। मैं पुलिस कमिश्नर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट बोल रहा हूँ। आप सभी के संज्ञान में है, हाल ही में थाना जाजमऊ पर एक 68 वर्षीय महिला नज़ीर फातिमा द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, एक तहरीर की थी थाने पे, जिसके आधार पे एक अभियोग पंजीकृत हुआ है 127/2022। इस तहरीर में इस महिला द्वारा, पीड़िता द्वारा अंकित किया गया था कि उसकी गृहस्थी को, पूर्ण गृहस्थी को, घर को, मैं उसमें सामान के, जो उसके निजी सामान थे, उसके साथ जलाकर नष्ट कर दिया गया। संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी, मैं बता दूं कि अभी दो कुछ दिन पहले ही एक आगजनी की बड़ा मामला हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपी इरफान सोलंकी और उसके भाई को बनाया गया था। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में अभियुक्त पंजीकृत करके इनकी तलाश जारी कर दी। हालांकि इरफान सोलंकी और उसका भाई दोनों ही फरार चल रहे हैं। अभी कल ही इरफान सोलंकी की वाइफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत उन्होंने बताया कि जो भी ये पूरी घटना हुई थी, इसमें मेरे पति और मेरे उस देवर का कोई भी रोल नहीं है। ये जो आग थी, सिर्फ बच्चों को पटाखे लगाने से हुई थी, लेकिन पुलिस ने जो भी चीजें हैं विवेचना में छोड़ी हुई है। विवेचना में जो भी मुकदमा लिखा गया है, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। और कल रात में ही पुलिस ने लगभग कई टीमें बना के 10 जगह छापेमारी की थी, लेकिन इरफान सोलंकी और उसका भाई नहीं मिला है। यहाँ तक कि कल सपा कार्यालय और लखनऊ में भी छापेमारी की गई थी। और यही बता दूं कि जो मामला, पूरा प्रकरण चल रहा है, जमीनी विवाद का मामला चल रहा है। महिला और इरफान सोलंकी के भाई के इसमें मामला चल रहा है, और जिस पे वर्तमान में जो कब्जा धारक है, वो जो महिला है जो आरोप लगा रही है, उसके पास कब्जा है और उसका एक तिहाई का जो हिस्सा है उसपे उसके भाई का कब्जा है। हालांकि इरफान सोलंकी इससे पहले भी बहुत बार विवादों में रहे हैं। विवादों के चलते कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी के ऊपर इतनी मुसीबतें आ रही हैं। सन 2014 में तत्कालीन सरकार सपा सरकार हुआ करती थी, उस टाइम पे कानपुर मेडिकल कॉलेज में भी इरफान सोलंकी का बड़ा रोल रहा था और उसमें भी काफी मुकदमेबाजी हुई थी। हालांकि इरफान सोलंकी दो दिन पहले ही लाइव करके और अपनी वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने इन सब चीजों में साफ साफ नकारा था कि मेरा इन सब चीजों में कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि पुलिस कमिश्नर कानपुर ने, उन्होंने भी कल एक वीडियो जारी किया है और लगातार वीडियो जारी करने का खेल जारी है कानपुर के अंदर। और उस वीडियो में इन्होंने, कानपुर कमिश्नर ने इस चीज के बारे में भी बताया कि कानपुर कोई भी सत्ता के दम पे या तो फिर पैसों के दम पे किसी भी गरीब को परेशान नहीं कर सकता। अगर कोई किसी को परेशान करेगा तो बड़ी उसको पुलिस का कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। जी मयूरी, अनिल, पुलिस द्वारा लगातार दबिश की जा रही है, वहीं अब एसआईटी गठित की गई है। जी जी, मैं बता दूं कि जब पुलिस इनको ढूंढने में नाकाम रही है, तो कल ही पुलिस कमिश्नर और जेसीपी कानपुर ने एसआईटी टीम गठित की, जिस टीम के गठित करने पे कानपुर में लगातार रात देर रात 10 जगह छापेमारी की गई है, जिसमें लखनऊ का सपा कार्यालय भी मौजूद था। हालांकि अभी एक सूत्रों के माध्यम से खबर आ रही है कि 12 तारीख को सपा के 10 विधायक एक टीम बनाकर कानपुर कमिश्नर से मिलेंगे और समस्त घटना से रूबरू कराएंगे। धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए प्राइम टीवी।